वरुपण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव तस्मै श्री गुरुमूर्त नमेदं श्री दक्षिणा संभोगे विप्रलंबे निरुभयम अभयम भाति भूपो परसानां विक्षेपे वा समालो विहरण निपुणा ब्रह्म विद्येव इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूता श्रीपूर्णानंद तीर्थ पथि पथि पथिकान् नंदयन् ब्रवीति। ओ एक दिन एक सज्जन ने पूछा कि गीता का निर्माण कब हुआ। मैंने उनसे प्रश्न पर प्रश्न किया कि कोई बात चार दिन पहले कही गई कि चार दिन बाद कही गई, इसकी कीमत होती है कि बात सच्ची कही गई या झूठी कही गई, इसकी कीमत होती है। कोई बात चार दिन पहले अगर कही जाए और वो झूठी हो, या चार दिन बाद कही जाए पर झूठी हो, तो झूठी बात की कीमत नहीं होती, कीमत सच्ची बात की होती है, चाहे वो चार दिन पहले कही गई हो या चार दिन बाद कही गई हो। इसलिए जो लोग काल की खोज करते हैं कि गीता कब कही गई, उनका विभाग दूसरा है। वे ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हैं, पुरातत्व की खोज कर रहे हैं, गीता में किस तत्व का निरूपण किया गया है, इसके साथ उनका कोई संबंध नहीं है। एक ने कहा, महाराज भूगोल के किस हिस्से में गीता का वर्णन हुआ? जंगल में बैठ के कही गई कि पहाड़ पर बैठ के कही गई कि युद्ध भूमि में बैठ के कही गई कि सोते कही गई कि बैठते कही गई? कीमत इस बात की नहीं होती कि वो बात किस जगह बैठ कर कही गई। कीमत इसकी होती है कि वो सच्ची है कि झूठी है। अच्छा, जो बात कही गई वो बच्चे ने कही कि बूढ़े ने कही? बालादपि सुभाषितम्, यदि बच्चे ने भी सच्ची बात कही हो तो उसको आप मानिए, जो बूढ़े लोग कहते हैं वही सच्चा होता है, जो बच्चे लोग कहते हैं वो सच्चा नहीं होता है। सही अभिनिवेश बिल्कुल छोड़ दीजिए, हमें तो ये देखना है कि जो बात कही गई है वो जांच करने पर सच्ची उतरती है कि नहीं उतरती। यदि बात कही हुई बात कभी भी कही गई हो, कहीं भी कही गई हो, किसी ने भी कही हो, किसी भी भाषा में कही हो, परंतु वो बात अगर सच्ची उतरती है तो सत्य की कीमत होती है, उसी सत्य को तत्व कहते हैं। जो कभी भी बाधित न हो, जिसको कभी कोई झूठी सिद्ध न कर सके। लो बोला, ऐसी बात का क्या प्रमाण है कि जो कभी झूठी सिद्ध न हो, आगे शायद झूठी सिद्ध हो जाए। अब आप देखो, यदि कोई कहे कि तुम हो ही नहीं,
ये बात कब झूठा सिद्ध हो सकेगा। बोले हम नहीं रहेंगे तभी झूठा सिद्ध हो जाएगा। जब तुम नहीं रहोगे तो तुम नहीं हो, इसमें तुम किसके लिए बोला जाएगा। जब जिसके लिए ये बात के बोला जाएगा कि तुम नहीं हो, उसके लिए ये बात के हमेशा ही झूठा रहेगा, कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। या बोलने वाला कहे कि मैं नहीं हूँ, और जब कभी कोई बोलने वाला होगा और बोल के बतावेगा कि मैं नहीं हूँ, तो चाहे वो किसी समय बोले, किसी जगह बोले, किसी भाषा में बोले, किसी रूप में बोले, जो बोलेगा कि मैं नहीं हूँ वो बिल्कुल झूठ बोलेगा। इस बात को आप समझ सकते, मैं नहीं हूँ ये बोलना सत्य के क्षेत्र में है ही नहीं। तो गीता का ऐतिहासिक अनुसंधान जो थीसिस लिखने वाले लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, और ठीक कुरुक्षेत्र में ही कही गई कि कहीं अन्यत्र इसकी खोज जो भूगोल के विद्वान है उन पर छोड़ दी जाए। इसके मूल वक्ता व्यास हैं कि कृष्ण हैं, इसकी लड़ाई सनातन धर्मी और आज समाजियों पर छोड़ दी जाए। हम लोग इस बात का अनुसंधान करें कि अंततः इसमें कहा क्या गया है, इस बात पर विचार करें। आखिर ये बात जो इसमें कही गई है वो हमारे जीवन का कहीं स्पर्श करती है कि नहीं करती है, हमारी वर्तमान समस्याओं का हल करती है कि नहीं करती है, हमारे दुख दर्द को मिटाती है कि नहीं मिटाती है, हमें ये सुख शांति देती है कि नहीं देती है। यदि ये हमारे रोग को मिटाती है, हमारे दुख दर्द को दूर करती है, हमें तत्काल सुख शांति देती है, तो ये तो एक अमृत का ग्रंथ हुआ, अमृत की पुस्तक हुई, ये तो एक अमृत वचन हुआ। इसमें कौन कब कहां ये सब जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम अब यहाँ हमारे भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी श्री कृष्ण गीता का प्रवचन कर रहा है, यही कर रहा है, अभी कर रहा है। कृष्ण को भूत बनाना सनातन धर्मी कृष्ण के साथ अन्याय है। वो ऐतिहासिक नहीं, तात्विक है। वो उस समय भी था, इस समय भी है। उसको भौगोलिक बनाना अन्याय है, उसको भाषाई सांप्रदायिक चक्कर में डालना अन्याय है। श्री कृष्ण हम सब का है, हमारा अंतर्यामी है, हमारे भीतर बैठा हुआ है, हमारे जीवन के रथ की बागडोर उसके हाथ में है। गीता नर की समस्या का समाधान करने के लिए नारायण के द्वारा कही गई है। अपना अपना विभाग अलग है, जो लोग भौतिक पदार्थ में ज्यादा रुचि रखते हैं वो भौतिक अनुसंधान अधिक करते हैं, और जो लोग आत्मानुभूति में अधिक रुचि रखते हैं वो गीता में कहे हुए सत्य का अनुसंधान करने के लिए आत्मा को देखते हैं। गीता में यदि स्वर्ग का वर्णन हो तो उस पर आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी। श्रद्धा स्वर्ग और नरक का वर्णन जब तक आप अपनी श्रद्धा नहीं जोड़ेंगे तब तक सिद्ध नहीं होगा, परंतु किसी भौतिक वस्तु का वर्णन हो तो श्रद्धा नहीं, वो विज्ञान के सहकार से ही ज्ञात हो जाएगा। गीता में जब ये वर्णन मिलता है कि अग्नि के द्वारा
सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा परमात्मा का प्रकाश नहीं हो सकता, तो उसको आप वैज्ञानिक रीति से सोच सकते हैं कि आंख के द्वारा, मन के द्वारा, जीव के द्वारा परम सत्य को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। परंतु जहां गीता में आत्मा का वर्णन आता है, वहां न तो प्रत्यक्ष वस्तु के अनुसंधान के समान विज्ञान के सहकार की जरूरत है, और न तो नरक स्वर्ग के अनुसंधान के समान श्रद्धा की आवश्यकता है। ठीक आपके बारे में जो वर्णन मिलता है गीता में, उसको तो आप तत्काल अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके बारे में है, आपका स्वरूप कैसा है इसका निरूपण करने के लिए है। आप कैसे हैं इसको आप तत्काल अनुभव कर सकते हैं। उसमें न वैज्ञानिक यंत्र की आवश्यकता है और न तो श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता है। वो तो आप जैसे हैं वैसा आपको तुरंत अपरोक्ष साक्षात्कार कराने के लिए है। अब गीता के बारे में एक दूसरी बात हुई है, संसार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म इसको बोलते हैं। और प्रवृत्ति से पृथक हो करके निवृत्ति हो में आ करके अपनी आत्म वस्तु का साक्षात्कार करना चाहिए, ये एक दूसरी प्रक्रिया है। हमें लोगों में कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और व्यवहार में हमको सफलता मिले, वो एक बात दूसरी है। और हमें क्या साधन करना चाहिए जिससे अंतर में हमको परमात्मा के दर्शन की योग्यता प्राप्त हो, वो एक बात दूसरी है। ये निर्माण विभाग है दोनों। ये दुनियादार लोग जो हैं, वो कुछ करते हैं तो कुछ बनता है, कुछ करते हैं तो कुछ मिलता है, कुछ नई चीज बनानी होती है तो कुछ करना पड़ता है। तो एक होता है कर्म का विभाग, धर्म का विभाग, प्रवृत्ति लक्षण विभाग। कौन सी प्रवृत्ति करें तो उस प्रवृत्ति का फल क्या होगा, प्रवृत्ति के फल रूप आप जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं। आपको धन मिलेगा प्रवृत्ति से, आपको भोग मिलेगा प्रवृत्ति से, आपको धर्म मिलेगा प्रवृत्ति से। परंतु प्रवृत्ति का अंतिम रूप क्या होगा, प्रवृत्ति का अंतिम रूप होगा निवृत्ति। प्रवृत्ति करते 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 आप अपने आप में आकर के स्थित हो जाएंगे। तो एक क्रियाशील प्रवृत्ति और एक शांत प्रवृत्ति। क्रियाशील प्रवृत्ति से व्यवहार होता है और शांत प्रवृत्ति से समाधि होती है। परंतु वो समाधि रूप जो निवृत्ति है तो वो भी कभी न कभी टूट जाती है। निवृत्ति के बाद प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति, ये संसार का चक्र चलता रहता है। यही जीवन के रथ के दो पहिए हैं, जिन पर बैठ करके इस जीवात्मा रूपी नर को, अर्जुन को इस कर्म क्षेत्र में काम करना पड़ता है। परंतु इसमें बैठा हुआ जो जीवात्मा है वो न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, वो तो असंग साक्षी है। यहाँ तक की बात जो है वो बिना वेद वेदांत के उपदेश के समझी जा सकती है, अनुभव में लाई जा सकती है। वेद वेदांत की जरूरत वहां पड़ती है जब किसी साक्षी आत्मा को एक अज्ञान का पर्दा काटने के लिए ब्रह्म जानने की जरूरत पड़ती है। वहां ब्रह्म जानना भी उतना मुख्य नहीं है
जितना कि अज्ञान के पर्दे को फाड़ देना आवश्यक है। तो ये बात जो किसी भी साधना से उत्पन्न नहीं होती, न प्रवृत्ति से न निवृत्ति से, यदि साधना से उत्पन्न होए तो वो फिर मिट जाए, नष्ट हो जाए। वो साधना से उत्पन्न जो साध्य स्थिति है वो नश्वर हो जाए, जो चीज पैदा होती है वो मिट जाती है। तो तत्व ज्ञान के द्वारा उस वस्तु का बोध कराया जाता है जो सिद्ध है, जो स्वयं है। ये आत्मा ब्रह्म है, ये जब श्रुति, ये गीता जब बताती है और आत्मा और ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार होता है, तो उससे सबसे बड़ा फल ये होता है कि ये ज्यों का त्यों जैसी स्थिति है, इसमें भला बुरा, इसमें राग द्वेष, इसमें नरक स्वर्ग, इसमें जन्म मरण का भेद किए बिना एक परब्रह्म परमात्मा सर्व के रूप में प्रकट हो रहा है। तो ये बात, ये वस्तु स्थिति प्रकट हो जाती है, ये बनाई नहीं जाती का असल में ऐसा है ही है, केवल न जानने के कारण ये वस्तु परोक्ष हो रही है। तो अब आओ गीता में हम ये देखें कि हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या प्राप्त होता है। गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं, एक है दुर्योधन और एक है अर्जुन। दुर्योधन का अर्थ है नाना प्रकार के दांव पेच करके कूटनीति के द्वारा छल प्रपंच से जीवन के व्यवहार को चलाने वाला स्वार्थी मनुष्य। अर्जुन का अर्थ होता है सरल सीधा, ज्ञानार्जन करने के लिए तत्पर एक मनुष्य। युद्ध भूमि में दोनों आते हैं, दुर्योधन भी आते हैं, अर्जुन भी आते हैं। दुर्योधन भी दोनों सेना का निरीक्षण करते हैं और अर्जुन भी दोनों सेना का निरीक्षण करते हैं। दुर्योधन सेना का निरीक्षण करके तत्काल आज्ञा दे देते हैं कि आप सब लोग भीष्म की रक्षा करें। युद्ध की घोषणा हो जाती है। दुर्योधन ने अपनी युद्ध घोषणा में ये कहा कि ये जितनी सेना यहाँ इकट्ठी हुई है हमारे पक्ष में, वो मेरे लिए मरने को तैयार है। आप गीता में ये पढ़ते हैं, मदर्थे त्यक्त जीविता। ये सेना जो सामने खड़ी है, इसमें मैं जिंदा रहूं, मैं राजा बनूं, मेरा सुख स्वार्थ पूरा हो, इसके लिए ये सारी सेना मरने को तैयार है। ये अर्जुन का दृष्टिकोण है और युद्ध की घोषणा हो जाती है। अर्जुन वो भी युद्ध भूमि में आते हैं। अर्जुन की विशेषता यह है कि अर्जुन के पास एक सारथी भी है। आपने गीता के प्रारंभ में दुर्योधन के रथ और दुर्योधन के सारथी का वर्णन नहीं देखा। बताइए गीता के प्रारंभ में दुर्योधन के सारथी का क्या नाम है? इस सारथी को आज्ञा दी दुर्योधन ने कि तुम हमारा रथ युद्ध भूमि में ले चलो, न तो उसके सारथी का वर्णन है, न सारथी के लिए निर्देश का वर्णन। परंतु जब अर्जुन युद्ध भूमि में आते हैं तो उनके रथ का भी वर्णन है, उनके सारथी का भी वर्णन है। माने आप यदि जीवन यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास एक रथ भी होना चाहिए, रथ में घोड़े भी होने चाहिए और उसके लिए एक उत्तम सारथी भी होना चाहिए। ये अर्जुन और कोई नहीं, नर है।
नर नारायण दो रूप में प्रकट हुए हैं, एक का नाम जीवात्मा, एक का नाम ईश्वर। जीवात्मा युद्ध भूमि में अवतीर्ण हुआ, परंतु अकेला नहीं, उसने नारायण से कहा तुम भी हमारे साथ चलो। और चलो इतना ही नहीं, हमारे रथ का संचालन करो। तो जो नारायण को अपने जीवन रथ का संचालक बना करके इस व्यवहार की भूमि में, व्यवहार के रण क्षेत्र में अवतीर्ण होता है, वो सफल होता है। आप देखो, आप कोई काम करने जाते हो तो नारायण को साथ लेकर जाते हो कि नहीं, ये पहली बात। दुर्योधन गया रणभूमि में, वो नारायण को साथ लेकर नहीं गया, पर अर्जुन गया रणभूमि में तो नारायण को साथ लेकर गया। हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं, ये बात तो भूलने लायक नहीं है। नारायण माने ये मनुष्य का शरीर जो दिखाई पड़ता है, ये केवल मनुष्य का शरीर, हड्डी मांस चर्म का पुतला नहीं है। इसके भीतर जो समष्टि का संचालक है, जो समष्टि का उत्पादक है, जो समष्टि का स्वामी है, वो परमेश्वर इस शरीर के भीतर बैठा हुआ है। आप कोई काम करने के लिए निकले, कोई काम करने के लिए चले, तो हमारे हृदय में नारायण बैठा हुआ है, उसकी ओर देख लें, नारायण का स्मरण करके सब काम करें। जो लोग बड़े बड़े हैं उनकी बात छोड़ दो, जो बड़े व्यापारी हैं उनका काम आजकल बिना नारायण स्मरण से चल सकता है ना? ब्लैक स्मरण से भी काम चलता है। जो बड़े बड़े शून्यवादी हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, थोड़ा सा बड़प्पन महाराज जिसके भीतर आ जाता है, चार आदमी पीछे चलने लगे, चार आदमी तारीफ करने लगे, चार पैसा ज्यादा हो जाए, चार किताबों की बुद्धि और आगे बढ़ जाए, है ना, साधना के क्षेत्र में थोड़ी चकमक कोई आ जाए, तो नारायण को भूल जाते हैं। तो हम गीता की ओर से पहला निवेदन आपसे ये करते हैं कि आप कोई भी काम करें तो उसमें अकेले, असहाय, दीनहीन, नर के रूप में न करें। नारायण की सारी मदद आपको प्राप्त है, इस रूप में आप अपना काम प्रारंभ करें। पहली बात यह है। अब एक दूसरी बात पर भी ध्यान दो, माने आप असहाय नहीं है ये मत समझें, आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, नारायण आपके सहायक हैं, यहाँ से काम प्रारंभ करें। ये आपके दैनिक जीवन के लिए बात है। मालवीय जी की बात तो मैंने कई बार आपको सुनाई कि वो कहते थे कि आप घर से कोई काम करने के लिए निकले तो चार बार नारायण 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 बोलना। यदि कोई नदी बहती है, नहर चलती है, और अपने मूल उद्गम से उसका संबंध बना रहता है, तो वो नदी सूखती नहीं है, वो नहर सूखती नहीं है। लेकिन ऐसी नहर कोई निकाली जाए तो उसका अपने मूल उद्गम से संबंध ही न रहे तो वो नहर सूख जाती है। इसी प्रकार ये जीव जो है, इसका मूल उद्गम है नारायण, मूल उद्गम है परमेश्वर। यदि ये परमेश्वर के साथ संबंध रखकर संसार के व्यवहार में लगेगा तो इसकी शक्ति बनी रहेगी। परमेश्वर में से तीन बात आपको हमेशा मिलती रहती है, आप याद कर लें। एक तो आपकी जीवन धारा विच्छिन्न नहीं होगी, दूसरे आपकी बुद्धि जो है वो समाप्त नहीं होगी, बुद्धि पर बुद्धि निकलती रहेगी, और तीसरे आपके जीवन में आनंद आता रहेगा। यदि आप ईश्वर के साथ संबंध छोड़ देंगे तो जीवन की धारा कट टूट जाएगी, विच्छिन्न हो जाएगी,
और आपके ज्ञान की, प्रज्ञा की, बुद्धि की जो धारा है वो क्षीण हो जाएगी और आपको जो भीतर से आनंद आता है वो कट जाएगा, क्योंकि आप उधार आनंद लेने में लग जाएंगे। तब आप बुद्धि लेने लगेंगे किताबों से और आदमियों से, तब आप आनंद लेने लगेंगे विषय भोगों से, तब आप जीवन की जीवन लेने लगेंगे दवाओं से। दवा से जीवन उधार लेना और किताबों से और दूसरे लोगों से बुद्धि उधार लेते रहना और आनंद के लिए विषय भोगों के पराधीन हो जाना, ये इस बात का नमूना है कि हमारे भीतर जो जीवन का, ज्ञान का, आनंद का जो मूल स्रोत है उससे हम कट गए हैं। अब दूसरी बात ये देखो कि हमारे जीवन में जो घोड़े हैं वो किस ढंग से होने चाहिए। तथा श्वेतैर हयैर युक्ते, दुर्योधन के घोड़ों का रंग आपको गीता में तो मालूम नहीं पड़ेगा, महाभारत पढ़े तो आपको भले मालूम पड़ जाए कि दुर्योधन के घोड़ों का क्या रंग था, पर गीता को दुर्योधन के घोड़ों का रंग बताने से कोई मतलब नहीं है। वो तो जो घोड़ों के जानकार हो, तो जो घोड़ों के जानकार हो, जो खरीदी बेची करते हो घोड़ों की, वो घोड़ों के लक्षण पहचानते हैं। परंतु गीता इस काम के लिए नहीं है कि दुर्योधन के घोड़ों के क्या लक्षण थे और अर्जुन के घोड़ों के क्या लक्षण थे, उसको तो खास करके अर्जुन के घोड़ों के बारे में ये बताना है कि ततः श्वेतैर हयैर युक्ते, श्वेत घोड़े जुते हुए हैं अर्जुन के रथ में। इंद्रियाणि हयानारो, आपकी इंद्रियां सफेद जीवन व्यतीत करते हैं कि काला जीवन व्यतीत करते हैं, ये इंद्रियां घोड़े हैं, ये इंद्रियां जो हैं ये घोड़े हैं, घोड़े, और आपके घोड़े, आपकी इंद्रियां श्वेत हैं कि काली हैं, इंद्रियां आपकी कैसी हैं? तो यदि वो काले कारनामे करने वाली हैं तो काली हैं, और सफेद काम करने वाली हैं तो श्वेत। श्वेत सात्विकता का रंग है, आपकी इंद्रियों में सत्वगुण का निवास है कि नहीं, ये आपका शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि में बैठे वासुदेव सारथी हैं, और आपकी इंद्रियों के घोड़े कैसे हैं, श्वेत हैं कि नहीं है, ये आपके जीवन के लिए रोज रोज की बात है, दैनिक जीवन की बात है। आप इंद्रियों को काले रंग में डुबोते हैं कि लाल रंग में डुबोते हैं कि सफेद रंग में डुबोते हैं, आप अपनी इंद्रियों को श्वेत करके चलते हैं कि नहीं, आपके घोड़े सफेद हैं कि नहीं, प्रश्न यह है। तो देखो अर्जुन की एक बात तो यह है कि उसका सारथी नारायण है, बिना सारथी का, दुर्योधन जैसे बिना सारथी का है, बिना रथ का है, बिना घोड़े का है, गीता के प्रारंभ में, उसके पास तो जीवन में यात्रा करने के लिए जो ठीक ठीक सामग्री चाहिए वही नहीं है दुर्योधन के पास। वो तो दूसरों को हुक्म देता है, बस हुक्म देने से जीवन नहीं चलता है, जीवन की जो प्रणाली है उससे जीवन चलता है। आप देखें श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर बैठे हुए हैं, एक है आपका हृदय, इसमें आपका एक छोटा सा मैं व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध होकर काम कर रहा है, और एक इसमें है अनंत चैतन्य परमात्मा, जो छोटे से जीवन से मैं मेरा किए बिना इसका संचालक हो रहा है, और दोनों में चैतन्य एक है, सत्वमेकम द्विधा स्थितम, एक ही सद वस्तु अर्जुन और कृष्ण दोनों के रूप में प्रकट है। देखो एक दिन है एक रात है, लेकिन काल दोनों में एक है,
किसी महात्मा से पूछा कि सृष्टि कब हुई महाराज, पहले दिन में हुई कि रात में? पहले पहले सृष्टि हुई तो दिन में हुई कि रात में हुई, एक ने प्रश्न किया। तो महात्मा जी ने कहा कि भैया है ना, ये सृष्टि जो हुई ये दोनों के बाप से हुई। दिन और रात दोनों जिसके बेटे हैं उनसे अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनंच, ये दिन ही काला है और दिन ही सफेद है। अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनंच, परंतु जो काल है वो न दिन है न रात है। काल में दिन और रात दोनों का विभाग दिखाई पड़ता है, परंतु काल में दिन रात नहीं है। बोले ये तो जिसने सृष्टि बनाई उसने अपनी सृष्टि के साथ साथ दिन और रात भी बनाया। तो अर्जुन और कृष्ण इन दोनों के साथ, इन दोनों में एक परमात्मा चैतन्य अखंड व्याप्त है। तो हमें एक बात तो ये है कि ये मनुष्य जीवन को आप यात्रा के लिए उपयोगी रथ के रूप में समझें, इसको मैं न समझें। और इसमें जो घोड़े हैं इंद्रियां उनको सात्विक रखें, और इसमें सारथी जो हैं बुद्धिमतु सारथिम बुद्धि, इसमें आपकी जो प्रज्ञा है उसको जागृत रखें। यहाँ से जीवन प्रारंभ होता है, पर जब जीवन प्रारंभ होता है तो दुनिया की जो परंपरा है वो आगे घेरती है। परंपरा क्या है? परंपरा है अविचारित, जिस पर हमने कभी भी विचार नहीं किया है। वो मक्खी, मक्खी की जगह पर मक्खी जैसे बोलते हैं, जैसे नकीर के फकीर, हम स्वयं में कभी विचार नहीं करते हैं, पुरानी लकीर को पीटते चलते हैं। असल में जिज्ञासा का उदय ही उसके मन में नहीं हो सकता। जो केवल लकीर पीट के अपने जीवन का संचालन करना चाहता है, उस लकीर को समझने की अभीप्सा प्रेप्सा, तो उसके लिए एक जिज्ञासा एक प्यास का उदय होना चाहिए। अर्जुन ने सृष्टि देखी, दोनों तरह की सृष्टि देखी, अच्छी भी देखी और बुरी भी देखी, दुर्योधन के पक्ष के लोगों को भी देखा और अपने पक्ष के लोगों को भी देखा। दुनिया में कुछ लोग अपने पक्ष के होते हैं, कुछ अपने विपक्ष के होते हैं। पक्ष और विपक्ष के बिना ये सृष्टि चलती नहीं, परंतु जिस पक्ष में हम काम करते हो उसके अच्छे होने का बोध तो होना चाहिए ना। आप ये दो लो, एक अपने दैनिक जीवन के लिए एक वस्तु का ग्रहण करो। क्या आप किसी का पक्षपात इसीलिए करते हैं कि वो अपना है, कि आप किसी का पक्षपात इसलिए करते हैं कि उसका पक्षपात करना चाहिए? एक बार दो गद्दी पर, एक ही गद्दी पर दो आचार्य नामजद हो गए। गद्दी है एक और दो आचार्य नामजद हुए। एक पार्टी ने कहा ये आचार्य, एक पार्टी ने कहा ये आचार्य। हमारे पास सिफारिश आई, देखो ये आचार्य जो हैं ये आपके अपने हैं, इसलिए इनका पक्ष लेना चाहिए। दूसरी पार्टी की सिफारिश आई कि ये आचार्य बड़े योग्य हैं, इसलिए इनका पक्ष लेना चाहिए। अब हमारी अंतरात्मा क्या कहती है? हमारी अंतरात्मा अर्जुन है कि हमारी अंतरात्मा दुर्योधन है? यही तो उसकी परीक्षा होगी ना। यदि हम अपना मान करके किसी का पक्षपात करते हैं तो हमारी अंतरात्मा में दुर्योधन प्रकट हो रहा है, और यदि हम किसी की योग्यता को स्वीकार करके उसका पक्ष कर रहे हैं तो हमारे अंदर अर्जुन प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन का कहना है कि नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च,
किमनो राज्य न गोविंद किम भोगई जीविते नवा न कांक्षे विजयं कृष्ण। हमको विजय नहीं चाहिए, न च राज्यम राज्य नहीं चाहिए, सुखानि च सुख नहीं चाहिए। हम राज्य लेकर क्या करेंगे, हम भोग करके क्या करेंगे, हम जीकर क्या करेंगे। बोले भला जीने में तुमको क्या परहेज है, जीने से क्या परहेज है। तो जीने से ये जी के बहुत लोगों को मार के हम जिए और हम जी के बहुत लोगों को जिंदा रखें, इस पर विचार करो। अर्जुन ने साफ कह दिया, आप अगर गीता पढ़ते हैं तो आपके ध्यान में ये बात बिल्कुल होगी, येषाम अर्थे कांक्षितमनो राज्यम भोगा सुखानि च इमे वस्थिता युद्ध प्राणास्तत्वा धनानि च। येषाम अर्थे कांक्षितमनो राज्यम भोगा सुखानि च। हम अपने लिए राज्य सुख भोग नहीं चाहते हैं, हम तो इनके लिए चाहते हैं, हम तो इनके लिए चाहते हैं। आप देखो जब कोई काम करते हो तो सबके सुख को, सबके राज्य को प्रधानता रख में लेकर के विचार करते हो कि केवल अपने व्यक्तिगत सुख और समृद्धि को लेकर विचार करते हो। येषाम अर्थे कांक्षितमनो राज्यम भोगा सुखानि च। अर्जुन का कहना है कि हम अपने व्यक्तिगत सुख स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहते हैं, हम तो इन लोगों के लिए चाहते हैं। इनका सुख चाहिए, इनका राज्य चाहिए, इनका स्वार्थ चाहिए, इनका विजय चाहिए। प्रश्न यह है कि ये जो युद्ध हमारे सामने उपस्थित हुआ है वो हमारे व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने के लिए है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सुख की प्रतिष्ठा करने के लिए है। यही तो गीता का मूल है। दुर्योधन कहता है मेरे लिए सब मरने को तैयार हैं, और अर्जुन कहते हैं सबके लिए मैं मरने को तैयार हूँ, सबके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। ये जीवन क्रम की सच्ची पगडंडी है। और मेरे लिए सब मर जाएं भले, ये जो है ये जीवन की झूठी पगडंडी है। एक का नाम है आसुरी संपत्ति और एक का नाम है दैवी संपत्ति। आप अपने जीवन में गीता से सीखिए। और विवेक का उदय हो गया अर्जुन के चित्त में, विवेक का उदय हो गया। ये नहीं कि जो कुछ सामने आया और उसमें कूद पड़ा कि ये तो हम करेंगे, इसमें तो हम मरेंगे, इसमें तो हम लड़ेंगे, इसमें तो हम जरेंगे, बिना दृष्टिकोण के। ये गीता आपको दृष्टि देती है। आप साधन करते हैं किस लिए, क्या चेतन को जड़ बनाने के लिए साधना करते हैं, क्या आप सत्य को शून्य बनाने के लिए साधना करते हैं, क्या आप आनंद को दुख बनाने के लिए साधना करते हैं, क्या आप परिच्छिन्नता में लीन हो जाने के लिए साधना करते हैं। और यदि आपको मालूम ही नहीं है कि हम जो साधना कर रहे हैं वो सत्य को शून्य बनाने की चेष्टा है, यदि आपको मालूम ही नहीं है कि हम जो साधना कर रहे हैं वो चेतन को जड़ बनाने की चेष्टा है, आप ही कहाँ चली जाएगी स्फुरण रूपता। आप सबके जो प्रकाशक हैं, साक्षी हैं, स्फुरण रूप है, वहाँ चली कहाँ, वो कहाँ चली जाएगी। तो यदि आपको मालूम ही नहीं है कि जो हम साधना कर रहे हैं वो हमको सत्य से शून्य कर देगी, वो हमको चेतन से जड़ कर देगी, वो हमको आनंद से आनंदा भाव में स्थित कर देगी, कब वो अपरिच्छिन्नता के बोध से अबोध में लीन कर देगी। यदि इस बात को आप नहीं समझेंगे तो आप क्या साधना करेंगे। इसलिए विवेक का उदय, गीता का कहना है कि पहले साधना के प्रारंभ में एक विवेक का उदय होना चाहिए। बुद्धि का जितना आदर, ज्ञान का जितना आदर गीता ग्रंथ में प्राप्त होता है, उतना आदर
विश्व साहित्य के किसी भी धर्म ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ, धर्म ग्रंथ और बुद्धि का, मेधा का, ज्ञान का, मेधा प्रातर हवामहे, हम प्रातः काल मेधा का आवाहन करते हैं, बुद्धि का आवाहन करते हैं हम प्रातः काल उठकर। गीता ये नहीं कहती है कि बुद्धि को छोड़ दो। गीता ज्ञान की वो महिमा, जज ज्ञातवा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, जज ज्ञातवा न पुनर्मोहम् एवं जास्यति पांडव, नहीं ज्ञाने न सदृशम् पवित्रमिह विद्यते। आप अपने को पवित्र बनाना चाहते हैं तो ज्ञान का सहारा लीजिए, यदि आप अपना मोह मिटाना चाहते हैं तो ज्ञान का सहारा लीजिए, यदि अज्ञान को दूर करना चाहते हैं तो ज्ञान का सहारा लीजिए। परंतु ये ज्ञान के प्रति जिज्ञासा का उदय मनुष्य के जीवन में, कोई भी काम कीजिए आप समझ के कीजिए, ना समझी से मत कीजिए। समझ का इतना बड़ा आदर, समझ का बुद्धि योगम उपासृत्य मत चित्त सततम भव, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत। आपके जीवन में यदि बुद्धि आ जाए तो आप पाप पुण्य से छूट जाएंगे। गीता का कहना है कि यदि आपके जीवन में एक बुद्धि आ जाए तो आप पाप पुण्य से छूट जाएंगे। माने बुद्धि ही ऐसी चीज है जो आपको पाप पुण्य में फंसाती है। आपको बुद्धि आ जाए तो आप जन्म मरण से विनिर्मुक्त हो जाएंगे, ये गीता का कहना है। गीता का कहना है कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता। हम उस अवस्था में आपको नहीं ले जाना चाहते जहाँ बुद्धि मिट जाती है। हम कहते हैं आपके अंदर सच्ची बुद्धि का उदय हो। आपको सच्ची बुद्धि मिलेगी तो आपको जन्म मरण का जो भय है वो मिट जाएगा। आपको सच्ची बुद्धि मिलेगी नारायण तो ये जो फलाकांक्षा आपके चित्त में कामनाएं भरी हैं ये सारी की सारी मिट जाएंगी। आपको बुद्धि मिल जाए तो शांति हो जाएगी। आपको आपकी बुद्धि अगर ठीक हो जाए तो आपके मन में जितने संशय, जितनी शंका कुशंकाएं वो सब मिट जाएगी। आपको बुद्धि मिल जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। ददामि बुद्धि योगम तम जे नमाम उपयान्ति ते, भगवान बुद्धि प्राप्त हुई और भगवत प्राप्ति हुई। तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बुद्धि का आदर करता है, जो ज्ञान का आदर करता है, जिसको कर्म करने में भी कहता है बुद्धि चाहिए, कर्म करने में बुद्धि चाहिए, साधन करने में बुद्धि चाहिए, समाधि लगाने में बुद्धि चाहिए, मोह छूटने के लिए बुद्धि चाहिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए बुद्धि चाहिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि का इतना बड़ा पक्षपाती उपदेशक ग्रंथ सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। भले लोग कोई कहे सर्वधर्म समन्वय करे, सर्वधर्म समान है, लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी मजहबी ग्रंथ में जो एक आचार्य के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा जो चलाया गया, उस मजहब में ये नहीं कहा जाता है कि बुद्धि प्रधान है। उस मजहब में ये कहा जाता है कि जो हम कहते हैं वो सच्चा है। एक आचार्य जब कोई मजहब चलाता है तो कहता है मेरी बात पर श्रद्धा रखो, मेरी किताब पर श्रद्धा रखो, मैं जो कहूँ सो करो। परंतु गीता कहती है बुद्धि बुद्धि बुद्धि, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है, ज्ञान से ही बंधन की निवृत्ति होती है, ज्ञान से ही सत्य का साक्षात्कार होता है। ऐसा नारायण ग्रंथ जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी मूर्खता को दूर करे, हमारे दुख को दूर करे, हमारे जन्म मरण के भय को दूर करे, हमारे शोक मोह को दूर करे, ऐसा कोई ग्रंथ गीता के सिवाय सृष्टि में दूसरा कोई है नहीं। अब इसके संबंध में हम आपको प्रत्येक अध्याय में हमारे प्रतिदिन जीवन में लाने के लिए क्या क्या वस्तु है इसका वर्णन आपको सुनाएंगे।